काफी लोग स्ट्रीट फूड को लेके स्केप्टिकल हो जाते हैं, राइट? लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिसकी शुरुआत ही स्ट्रीट साइड से हुई थी। ये एक ऐसे ड्रीमर है जिन्होंने खोला अपना डोसा स्टॉल और आज वो बन गया है एक करोड़ों का बिजनेस। कैसे? लेट्स हैव अ लुक। मुंबई न जाने कितनों के लिए सिटी ऑफ ड्रीम्स है, लेकिन यहाँ की क्रूड रियलिटी को देखकर कईयों के ड्रीम्स अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। पर डॉक्टर डी ने किसी भी सिचुएशन की वजह से अपनी फाइटर स्पिरिट को कम नहीं होने दिया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरी कंट्री उन्हें जानती है एज द मोस्ट हम्बल एंटरप्रेन्योर। वो कुछ सिल्वर स्पून मिलता है एंड बाय द बर्थ दे बिकम ए एंटरप्रेन्योर। लेकिन गणपति जी ने चालू किया पलटे से। पलटा यानी उनका जो सबसे बड़ा टूल है ऑफ मेकिंग डोसास। मेरा फैमिली में हम लोग 7 जन थे, 6 ब्रदर थे, 1 सिस्टर थे। मेरा पिताजी जिम्नास्टिक योगा वगैरह सिखाते थे। मेरे पिताजी फार्मिंग भी करते थे, फार्मिंग में काफ़ी उनका लॉस भी हो गया था, तो मैं काफ़ी वो तकलीफ हो गया, उन्होंने जॉब पे जाना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि टेंथ के बाद पढ़ना नहीं है, मेरे को गाँव से जाना है। मेरा बहुत हालत बहुत ख़राब हो गया था। गंभीर जी बचपन में से कभी स्कूल को छुट्टी पड़ता था तभी भी कुछ काम करते रहता था, कुछ होटल पे, कभी दुकान पे, कुछ ना कुछ काम करते रहता था। वो हिसाब से मुझे लग रहा है आज इतना कामयाब बना है, उनका बहुत मेहनत है। भाई लोग के लिए सबसे अच्छा प्यार है, उसके लिए हम जिंदगी भर उसका साथ देंगे। मैं जॉब के लिए चेन्नई आया। चेन्नई में 1 साल कॉफ़ी पाउडर का दुकान में काम किया। उसके बाद चेन्नई से मेरे किसी के थ्रू मैं बॉम्बे में जॉब के लिए आया, पीटी में आया। पीटी से लोकल ट्रेन से बांद्रा आया। बांद्रा में मेरे को एक जगह पे छोड़ के वो चला गया था। हिंदी भी मालूम नहीं था, मतलब इंग्लिश भी पता नहीं था। फ्री का टैक्सी ड्राइवर मिला मेरे को, उसने मेरे को धारावी में एक जस्मिन रोड पे एक मारियम्मन टेम्पल पे लेके गया। सब लोग थोड़ा पैसा कलेक्ट करके मेरे को चेन्नई भेजने के लिए उन्होंने प्लान कर दिया था। मैंने बोला कि मैंने जॉब के लिए आएगा तो मैं वापस जाएगा नहीं, मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ काम करूँगा। फिर वहाँ से चेंबूर में वहाँ पे पिज़्ज़ा का पैन वगैरह बनता था, तो वहाँ पे जॉब के लिए मैं मुझे लेके गया डिश वॉशिंग के लिए। फिर वहाँ पे एक जन का मेरा पहचान हुआ तमिल वाला, तो उन्होंने उनका साथ रेस्टोरेंट डालने का कैंटीन खोलने का बात, तो उन्होंने कैंटीन डालने के लिए लेके गया पार्टनरशिप में। फिर बाद में उस 6 महीने में मेरे को मेरा प्रॉफिट नहीं दिया, मेरे को निकाल दिया। फिर मैंने थोड़ा सा एक गाड़ी रेंट पे लेके मैंने इडली डोसा का मैंने चालू किया। मेरा 97 में एक शॉप ही मुझे वाशिंग स्टेशन में मिला। उस टाइम में फिर डोसा का स्पेस पे नाम रखने के लिए काफ़ी नाम मैंने सर्च किया था। वासी में एक वासी प्लासा करके बिल्डिंग, उसमें से मुझे प्लासा नाम थोड़ा मैच साउंड हो रहा डोसा प्लासा करके। और मेरा रेस्टोरेंट को प्रेम गणपतिस प्रेम सागर डोसा प्लासा करके वासी स्टेशन में मैंने स्टार्ट किया ना। ठेले से लेकर आज इतने सारे रेस्टोरेंट्स के मालिक बनने तक उन्हें इतनी सक्सेस, इतना नाम और इतना सम्मान मिला। देश भर में 42 और न्यूजीलैंड, ओमान और यूएई जैसी कंट्रीज में उनके 7 आउटलेट्स हैं। चेन्नई से आए प्रेम गणपति कैसे बन गए डॉक्टर ऑफ डोसा, चलिए जानते हैं। हमने डोसा इंट्रोड्यूस किया, नया नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, 104 वैरायटी तक डोसा हमने स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सांभर मसाला वगैरह मेरे मम्मी से हम पूछ के हम करते थे। फिर थोड़ा वो चाइनीज़ का जो अमेरिकन चपचीज सिसवन डोसा पनीर चिल्ली सब मेरा डोसे के अंदर मैंने स्टफिंग डाल के मैंने मेनू में ऐड किया। डोसा नाम सुनते ही एक इमेज पॉप होती है माइंड में, लेकिन डॉक्टर डी ने अपने माइंड ब्लोइंग फ्यूजन डोसा के साथ उस मोनोटोनस इमेज को 104 तरीकों से ब्रेक कर दिया। इस सक्सेसफुल वेंचर के बाद उनकी पर्सनल लाइफ कितनी चेंज हुई ये तो उन्हीं से पूछते हैं। 10-20 साल पहले भी जैसा था आज भी वैसे ही मैं रह रहा हूँ। मुझे बदलने के लिए मैं कोशिश नहीं किया, वही मुझे सिंपल लाइफ ही पसंद है। मेरे साथ जो भी जो डिस्कस करते हैं मेरा एम्प्लॉय है स्टाफ है हमेशा सबको मैं पॉजिटिव बात करता हूँ, यही मेरा नेचर है। तो ऐसे बॉस है, डांटते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। इट वॉज ओपनिंग डेट, सारे कस्टमर थे, प्रोडक्ट्स बहुत लेट आ रहे थे और किचन में पूरा फसाड़,
सो लॉट ऑफ क्राउड वॉज देयर और मैं आई वॉज वेटिंग, कस्टमर वॉज वेटिंग आधा आधा घंटा डोसे के लिए वेट कर रहे थे और वो किचन में घुस गए ब्लेजर और उसके बाद में चालू गए और पहली बार मैंने उनको देखा डोसा बनाते हुए एंड बिलीव मी आधे घंटे के अंदर सारे क्यूटी गायब हो गए। इनकी सक्सेस स्टोरी को रश्मि बंसल ने कनेक्ट द डॉट्स में फीचर किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुद इन्हें ये बुक प्रेजेंट की है, पर इतना कुछ हासिल करने के बाद भी जब इनसे इनकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है तो सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर डी। ये मुझे और भी अचीव करना बाकी है, इसलिए हम कोई भी अवार्ड फंक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं लेते, तो हम सोचा कि हम हमारे लिए कुछ भी नहीं है और अचीव करना चाहिए। इस रेस्टोरेंट के कंट्री वाइड 42 आउटलेट्स हैं और साथ अब्रॉड, और ये आपको सर्व करते हैं 104 वैरायटीज ऑफ डोसास। अगर आप डोसा प्लाजा विजिट करें तो डोंट फॉरगेट टू आस्क फॉर सम एक्स्ट्रा सांबार एंड देयर बेस्ट सेलर रशियन सैलेड।